चैनल से। हम इस वक्त मुंबई के फेमस स्कूल धीरूभाई अंतानी के सामने खड़े हैं। आज कुछ ही मिनट पहले यहाँ वैसी ही अजीब घटना घटी जो पिछले कई दिनों से मुंबई के अलग अलग कोनों में घटती आ रही है। आइए मिलते हैं उन बच्चों से जिनके साथ यह हादसा हुआ। चलिए बताइए आपके साथ क्या हुआ। मैं और मेरी सिस्टर स्कूल से घर जा रहे थे। We were going home. तभी अचानक दो बड़े बड़े गुंडे हमारे सामने आ गए। Two big big goons. उन्होंने हमें पकड़ लिया। उनमें से एक गुंडे ने एक वैन का दरवाजा खोला। Open the door. हम लोग बहुत डर गए थे और हम लोग एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, help, 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 बचाओ। ए, रुको, ए, छोड़, बच्चों को तो सुना आप लोगों ने कैसा अजीब चमत्कार हो गया है। एक बच्चा अचानक कहीं से आ जाता है और बिजली और करंट की सप्लाई से गुंडों से बच्चों को बचाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन बच्चों से अभी भी थोड़ा थोड़ा करंट आ रहा है। ये कारनामा इस बहादुर बच्चे ने पहली बार नहीं किया है, बल्कि मुंबई के कोने कोने में ये बच्चा एन मौके पर पहुंच जाता है और क्रिमिनल्स का प्लान चौपट कर देता है। दर्शकों, आपको तो याद ही होगा कि मुंबई के माटुंगा सबब में कुछ ही हफ्ते पहले क्या हुआ था। कितने गोल्ड ज्वेलरी पहना तुम, ये शादी में जाने का, गोल्ड एग्जीबिशन में नहीं। आयो रामा, अपनी बहन को देखा तुम? हाँ देखा, उसको कितना गोल्ड पहनता, वो गोल्ड का शौक लगता, उसको कभी बोलो उसकी वजह से मेरे को इतना गोल्ड पहनना पड़ता जी, समझा तुम? नमस्ते नमस्ते। नमस्कार, ये सोने की दुकान, अपने गहने उतार कर इसमें रख दे। क्या बोला तुम? हम तुमको बोला बोला इतना ज्वेलरी मत पहनो, तुम मेरा बात सुना नहीं? ए, जल्दी कर, सोना दे मेरे को। ये लो भैया, भैया इसकी बहन के पास बहुत गोल्ड है, गोल्ड का शॉप है वो, उधर भी जाना, उसका भी गोल्ड लेना। मदद, हेल्प, मदद, कोई है? मदद, हेल्प। ए, चिरकुट। रजनीकांत, रजनीकांत उसका नाम, चिरकुट नहीं। रजनीकांत, चल चल। अयो रामा, हम कोई ज्वेलरी नहीं पहना। ओए छोटा रजनीकांत, मुझे गहने नहीं चाहिए, तेरा ये चश्मा चाहिए। चल। अयो अयो रामा, कुछ तो देखकर जाओ, इसका बयान आपको कितना सुनाएगा। शक्ति देख रही।
आपने इन दोनों गुंडों को पकड़ा कैसे? अयो हम नहीं पकड़ा, एक बच्चा पकड़ा इसने। यह बच्चा नहीं और एक बच्चा, मालूम नहीं किधर से आया। अप्पा और मदद मदद मैं बोला। अयो रामा मेरे को भी बोलने का है, पता मेरा सारा घेरा मिल गया, अब देखना तुम्हारी बहन को मैं कैसे मदद चुकाती हूँ। मदद मदद मैं बोला। वांगो कौन? कौन नहीं, इधर आओ। एक गहना और मिला, ये विग। वो लड़का अपने स्टिक से एक बाल निकाला और बाल से हमारा विग बन गया, या देखो या। इस बहादुर बच्चे के किस्से तो बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मुंबई से कुछ ही दूरी पर एक गांव में जब एक ऑटो रिक्शे वाला बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहा था, ब्रेकफास्ट हो गया बेटा। शक्ति देख रही के पास जो कभी हवा को हुक्म देता है तो ऑटो रिक्शा को ऊपर अटका देता है, कभी बालों की चोटी फेंकता है और गुंडों को गिरा देता है, कभी बिजली के करंट मारता है और बदमाशों को पकड़वा देता है। ऐसी वारदातें बार बार लगातार पिछले 6 महीनों से हो रही हैं। कौन है ये बच्चा, कहां से आया है और 6 महीने पहले ये कहां था? ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढना अभी बाकी है। 6 महीने पहले बेटा रेडी है, तुमने तुम्हारा बैग तैयार किया और शर्ट भी नहीं पहनी, जाओ जल्दी शर्ट पहनो और बैग रेडी करो। अरे आप अभी तक नहाए भी नहीं है। आ जाता हूं। अरे हाँ, तब तक तुम मस्त टिफिन तैयार करके रखो, आज ऑफिस का पहला दिन है, पता नहीं वहाँ पे कैंटीन है भी या नहीं। सुनिए देखिए, कोई कुछ बोले ना तो आप कुछ बोलिएगा मत, सिर्फ मुस्कुरा देना ऐसे। हाँ, ये नौकरी बचा कर रखना। कैसी बात कर रही हो स्मिता, क्या मुझे नौकरी नहीं करनी है? अरे भाई मैं नौकरी छोड़ता कहाँ हूँ, आज तक की सभी 16 नौकरियों में से उन लोगों ने मुझे निकाला है, तो किसकी प्रॉब्लम है? हाँ लेकिन आप किसी को निकालने का मौका ही मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ पूछे ना तो आप मुंह में पान ठूस लीजिएगा या फिर कान बंद कर लीजिएगा, या फिर बोलिएगा कि मेरा मौन व्रत है। बोल दूं मौन व्रत है? हाँ ये कैसे बोलेंगे, आप कुछ बोलिएगा ही मत। देखिए आपका सच भारी पड़ता है ना। वाओ दिए के लिए घी लाना। लाइमा जाइए नहाने जाइए। मैं तो नहा चुका हूँ। स्मिता, स्मिता तुम सुबह सुबह इतनी पैनिक क्यों हो जाती हो, फिर सब लोग पैनिक हो जाते हैं पता है, फिर तुम्हारे चक्कर में मुझे दोबारा नहाना पड़ता है, मैं नहा चुका हूँ। अच्छा बाबा जाइए रूम में, शर्ट रखिए पहन लीजिए। हाँ हाँ ये लीजिए माँ जी। मानव तुम रेडी हुए कि नहीं? मम्मा मम्मा ये क्या है? हाय ये क्या? भाभी भाभी ये देखिए, आपने मोटा भाई की शर्ट मानव और मानव की शर्ट मोटा भाई को दे दी। अरे हंस क्या रहे हैं,
मालूम तो बच्चा है, आपको भी पता नहीं चला कि ये शर्ट छोटी है? नहीं पता चला, लेकिन थोड़ी देर बाद, तब तक मैंने शर्ट पहन ली थी। ठीक है निकालिए। अरे बेटा निकालने दो पहले, रॉकी इधर से पहले निकालो, दाहिना दाहिना हाथ निकालो पहले, इस तरीके से नीचे गिर कैसे निकलेगी? अरे यहाँ अटक गया ये। अरे अटक तो मैं गया हूँ। ऐसा योगा करते क्यों हो? सवाल है ना, तुम मुझे बाद में भी पूछ सकती हो, अभी मुझे सीधा करो। रुको यहाँ से, नहीं गुदगुदी नहीं, मेहर मेहर गुदगुदी नहीं। क्या कर रोकी वहाँ से इधर, मेहर रुक मेहर संभल के। बाबूजी थोड़ा आप भी तो जोर लगाइए, सब मैं करूं क्या? योगा ही जीवन का आधार है, ऐसे अटक जाए तो नहीं है। बाबूजी बाबूजी आप हमेशा अटकते रहते हैं ना, इसके लिए मोहल्ले वाले आपको अटकू दादा बुलाते हैं। अच्छा चलो चलो, सब लोग अपने अपने काम पे लगो, चलो चलो। हाँ 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 चलो 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 भाई चलो चलो। हाँ क्या चलो ना भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं देख रहा था कोई मोंटू की गैंग तो नहीं आ रही है ना। आज अगर उसने परेशान किया ना तो मैं उसे पीट दूंगी। मुझे समझ नहीं आता कि वो हमें इतना तंग क्यों करता है, क्योंकि वो हमसे बड़ा है, स्ट्रांग है, रूड है, इनसेंसिटिव है, गधा है, वो हमसे जलता है। हम लोग क्लास में फर्स्ट आते हैं ना, और वो गेंडा अब तक 4 बार फेल हो चुका है। धीरे बोल, कहीं वो सुन लेगा तो। अगर आज उसने कुछ किया ना तो मैं उस मोंटू के बच्चे को पीट दूंगी। बड़ी ब्रेव बनती है, पीट जाएगी। परसों पता है ना उसने हमारे साथ क्या किया था? मानो मेहर। स्टडीज में तो तुम इतने इंटेलिजेंट हो, पर इतनी अकल नहीं है, ये नकली सांप है। अगर आज उसने वैसा किया ना तो मैं उसे पीट दूंगी। थैंक गॉड आज बच गए।
गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। देख मंटू, आज परेशान किया ना तो पीट दूंगी। चलो भैया। पीट दूंगी। मंटू, तूने मुझे हाथ लगाया? मुझे? चल चल, जाने दिया। स्कूल बैग को हाथ लगाया ना तो पीट दूंगी। अरे मोनू, तूने मेरे स्कूल बैग को तो हाथ लगाया। चल माफ करती हूँ, टिफिन को हाथ लगाया ना, मैं फाइनल वन और सीरियसली बोल रही हूँ, पीट दूंगी। टिफिन तूने टिफिन को तो हाथ लगा लिया। चल तेरा आज दिन ही अच्छा। मेरा भाई, मेरे भाई को तूने कुछ किया ना तो पी दूंगी। क्या बोली तू? मानो मानो, छोड़ दो ऐसे प्लीज। छोड़ दू, ये ले, छोड़ दिया। अरे भैया भैया, जल्दी आ। और इस तरह सूरज की किरणों से समुंदर का पानी गर्म होता है और वापस आकाश में जाता है, और इस तरह वर्षा होती है। समझ गए सब लोग? नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लो। आ गए। आ जाओ। और ये कपड़े तो देखो। कहाँ बदमाशी कर रहे थे? किससे मारा मारी की बताओ? हो जा रहे, गाड़ी रोको। मानो महेश, ये देखो कौन आया है। टाइगर चुप। आप बेटा लो ना। थैंक यू। तुम्हें? लहु
हुआ बेटा? बुरा सपना देखा क्या? हाँ दादी। होता है कभी कभी, कोई बात नहीं। हाँ बुरा सपना ही था ना, कोई बात नहीं। कहानी सुनोगी? कहानी? याद है तुम्हें जब तुम छोटी थी ना, तो मुझसे कहानी सुने बगैर तुम्हें नींद नहीं आती थी। तो फिर से सुनाओ ना दादी। ठीक है सुनाती। सुनो, यहाँ से हजारों मील दूर उत्तर में, नहीं नहीं पूरब में, एक परीलोक है। उस परीलोक की रानी का नाम है रानी परी। रानी परी रोज सुबह परियों की एक सभा बुलाती है और कहती है, परियों जाओ पृथ्वी लोक पर जाओ, वहां के सभी बच्चों की, नहीं नहीं अच्छे बच्चों की, सच्चे बच्चों की रक्षा करो, उनकी मदद करो, देखो उन्हें कोई सताता तो नहीं। और फिर सभी परियां सुबह होते ही तैयार होकर था, परीलोक पूरब में यानी ईस्ट। रानी परी प्लीज यहाँ भी एक परी भेज दो ना, हमें बहुत जरूरत है। मोंटू मुझे और भैया को बहुत तंग करते हैं। प्लीज रानी परी, हम लोग सच्चे और अच्छे नहीं है। रानी परी आप सुन रही हो ना? रानी परी आप सुन रही हो ना? रानी परी आवाज दे रहा है? ये कौन हमें याद कर रहा है? ये तो मेहर है जो सात सच्चों के परिवार में रहती है। इसने मुझे क्यों याद किया? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.